हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैं जानता था तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। मान्यवर, छोड़ना भी नहीं चाहिए। हमारे गुरुजी ने कहा है कि जीवन के सफर में यदि कोई अच्छा साथी मिल जाए तो मनुष्य को उसके साथ ही लग लेना चाहिए। मुझे तुमसे भय लगने लगा है। भय? तुम अवश्य कोई बहरूपिया होगे। बहरूपिया? नहीं ब्राह्मण देव, मैंने तो केवल इतना ही सोचा था कि सफर इतना लंबा है और आपका साथ मिल जाएगा तो आसानी से कट जाएगा, वरना तो लक्ष्मी देवी की याद मेरे पैर पकड़ लेती और आपके बिना मैं कदापि द्वारिका नहीं पहुंच पाऊंगा। तुम्हारे होते मेरा रास्ता काटना बहुत कठिन है। मैं अपने कृष्ण कन्हैया में ध्यान भी नहीं लगा पाऊंगा। तुम मेरा ध्यान अवश्य भंग कर दोगे। ना, विप्रवर, आप अपने प्रभु पर ध्यान लगाएं, मैं बाधा नहीं डालूंगा। मैं तो अपनी लक्ष्मी जैसी पत्नी पर ध्यान लगाता रहूंगा। अरे बावरे, पत्नी का ध्यान छोड़ दे, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान लगा, जीवन सफल हो जाएगा। अरे, पत्नी नहीं मिलेगी तो जीवन का खाक सफल होगा। हे ब्राह्मण देवता, कृपया मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। आप अपने प्रभु का प्रेम मंत्र पढ़िए, मैं कुछ नहीं कहूंगा, और मुझे मेरा प्रेम गीत गाने दीजिए, आप कुछ ना कहिएगा। अच्छा अच्छा, जो जी चाहे करो, पर मेरा ध्यान भंग मत करो। बस ठीक हो गया, आप मंत्र पढ़िए, मैं गीत गाता हूँ। राम जैसी हमरी